दर्द और कलाकार का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और आपने कहा भी कि दर्द में रहो पर दर्द को जियो, वो उसके बारे में। देखिए मैंने ये कहा कि दर्द जो है वो ये मैं मानता हूँ कि दर्द से आगे कुछ है नहीं, मतलब चाहे बुद्धा भी कहे कि लाइफ इज सफरिंग, या वो आग का दरिया है या आग का दरिया है और डूबते जाना है, जीवन जो है उसमें कहीं ना कहीं दर्द जो है कला में जब बात आती है, दर्द में एक कलात्मक पक्ष है दर्द का हमेशा। इसीलिए आप देखेंगे कि दिल टूटने के गीत जो हैं दिल बनने के गीतों से ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। आप देख लीजिए कि जब आप दिल टूटने की बात करते हैं वो ज़्यादा वक्त तक जिंदा रहती है, क्योंकि दर्द जीवन का एक शाश्वत सत्य है। पेन बहुत बड़ी चीज़ है, और पेन को लिखा जाता है जब तो उसमें स्वाभाविक एक गहराई आ जाती है जो उच्छ्वास में कम है। देखिए आपकी सांस कहाँ घुटती है, आपकी सांस घुटती गहराई में जाती है, वहाँ अगर आप एक गोता लगाते हैं, अगर आप पानी को ऊपर छछवाते रहें तो उसमें झाग उठता है और उसमें आपको बुलबुले दिखते हैं, झाग दिखते हैं, उच्छ्वास दिखता है, लेकिन गहराई में शांति होती है, लेकिन साथ साथ दम भी घुटता है। वो उसका गहराई का सत्य है, वो दर्द का सत्य है, वो मृत्यु का सत्य है। इसीलिए जब आप मृत्यु पर चर्चा करते हैं तो एक तरह की फेमिलियरिटी भी लगती है और एक तरह की गहराई भी लगती है उसमें, क्योंकि वो एक शाश्वत सत्य है। और ये उस फीलिंग का, उस भावना का अपना उस भावना की तासीर है, तासीर उसकी ऐसी है।